हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नीतीश यूनिवर्स। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के नए पॉलिसी के बारे में, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं और हम व्हाट्सएप को हमेशा यूज करते हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आपका जो पर्सनल डाटा है वो अभी सिक्योर नहीं है, वो किसी के पे पास जा सकता है। व्हाट्सएप पे आप क्या शेयर नहीं करते हो, आपके पर्सनल फोटोज होते हैं, वीडियोज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बैंक के ट्रांजैक्शन के डिटेल्स होते हैं, आपका अकाउंट नंबर होता है, सब कुछ होता है। क्या ये सब कुछ अभी सिक्योर नहीं है, या ये ऐसा आगे जाकर हो सकता है कि आपके पास जो भी डाटा है वो सारा FB के पास चला जाएगा? तो इसके पीछे एक्चुअली क्या रीजन है, क्या गेम है, आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। व्हाट्सएप के पास एक अपडेट आया कि 8 फरवरी तक अगर आपने न्यू पॉलिसीज को एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको व्हाट्सएप डिलीट करना पड़ेगा, आप उसको यूज नहीं कर सकते। आपको लगेगा ठीक है, हम कोई दूसरा ऐप यूज कर लेंगे, एक बार डिलीट कर दिया तो डाटा भी डिलीट हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। आपका डाटा जो भी था उस डेट तक वो अभी तक व्हाट्सएप के पास ही रहेगा, तो व्हाट्सएप उसका बाद में कुछ भी यूज कर सकता है। तो शायद ऐसा हो सकता है आगे जाके कि आपको व्हाट्सएप को रिक्वेस्ट डालना पड़े कि मेरा जो डाटा है वो भी आप डिलीट कर दो। ओके, तो व्हाट्सएप ने ऐसा कुछ बताया नहीं है इसके बारे में। इतनी बात क्यों हो रही है व्हाट्सएप के नई पॉलिसी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मैसेज है, जो पहले एंड टू एंड इंक्रिप्शन था, इसके बारे में लोगों को ऐसे लग रहा है कि ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन अभी नहीं रहेगा, आपके मैसेज को एक ऑदर रीड कर सकता है। तो ऐसा क्या व्हाट्सएप ने बताया क्या? तो इसका आंसर है नो, व्हाट्सएप ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं रहेगा और डेफिनेटली रहने वाला है, तो आपके जो मैसेज है वो ना व्हाट्सएप रीड कर पाएगा ना कोई और रीड कर पाएगा। तो कौन रीड करेगा? आप जो भेजने वाले हो और जिसको भेजा, वो ये दो ही लोग रीड कर पाएंगे। फिर व्हाट्सएप के पास जनरली क्या कोई भी मैसेज सेव नहीं रहता क्या? तो मैसेज सेव नहीं रहता, लेकिन मैसेज सेव कब करता है व्हाट्सएप? जब वो डिलीवर नहीं होता है। जब वो डिलीवर हो जाता है उसी टाइम वो उसके सर्वर से डिलीट हो जाता है। तो व्हाट्सएप के पास आपके मैसेज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, इसीलिए आपका जो भी मैसेज है वो सेफ रहेंगे। इसके बारे में पूरी श्योरिटी व्हाट्सएप दे रहा है, लेकिन आगे जाके देखेंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। कुछ तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इसीलिए तो न्यू पॉलिसी बोले उसे। तो क्या चीजें हो रही है कि आप जब भी व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हो तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप क्या देते हो? आपका फोन नंबर, उसके बाद आपके मोबाइल का मॉडल, उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो सब चीजें, उसके बाद आपके बैंक के ट्रांजैक्शंस, ये सारी चीजें यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होने ही वाली है। कैसे देखते हैं। यहाँ पे आपका मोबाइल का IP एड्रेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कहाँ से ऑपरेट करते हो, वो फेसबुक के पास जाने वाला है। उसके बाद आपके मोबाइल का हार्डवेयर क्या है, उसके बाद आपके मोबाइल का मॉडल कौन सा है, तो मॉडल के बारे में इंफॉर्मेशन उनको जानने वाली। तो ऐसी सारी चीजें, तो ये तो ठीक है, आप कहोगे ठीक है हमारे मोबाइल का मॉडल पता चल गया, IP एड्रेस पता चल गया, तो इससे क्या प्रॉब्लम है? लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप कितने ट्रांजेक्शन करते हो, कितने फ्रिक्वेंसी से करते हो, किसके साथ करते हो, ये डिटेल आगे जाकर उनको पता चल सकते हैं और वो फेसबुक यूज कर सकता है। अब इसको पूरा क्लियर करने के लिए फेसबुक ने ये कहा है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फेसबुक को, इंस्टा को एंड व्हाट्सएप को कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट करने का मतलब क्या है? तीन बड़े नेटवर्क, उसमें जितने भी लोग हैं उनकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और वैसे एड्स आपको दिखाई दिए जाएंगे। तो सोचो कि कुछ दिन बाद ऐसा हो सकता है कि व्हाट्सएप पे एड आ सकते हैं। आप व्हाट्सएप यूज करोगे जो अभी तक बहुत अच्छा था, प्रोफेशनल था, लेकिन आगे जाके ऐसा हो सकता है कि व्हाट्सएप पे एड आएंगे और आपका जो भी पर्सनल टच था व्हाट्सएप का वो रहेगा नहीं। आपको लगेगा कि अब मैं जो यूज कर रहा था वो पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अभी बहुत एड्स आते हैं, तो आप जो चैटिंग करते हैं उसके बीच में वीडियोस दिखेंगे, फोटोज दिखेंगे, बार बार पॉपअप्स आएंगे, मतलब इन शॉर्ट आप जो भी कर रहे हो उसको वो ऑब्जर्व करने वाले हैं और यही से आपका पर्सनल डाटा कॉम्प्रोमाइज होने वाला है। हालांकि व्हाट्सएप ने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि हम एड दिखाएंगे, लेकिन उनका जो प्लान है उसके हिसाब से ऐसे गेस कर सकते कि आगे जाकर ये हो सकता है। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन कि न्यू पॉलिसी क्या है। इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन और भी है, लेकिन जो डे टू डे लाइफ में जो कॉमन पीपल है उनके लिए जो रिलेट कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दी। आपने अभी भी देखा हो कि व्हाट्सएप ने पेमेंट मेथड भी स्टार्ट किया, तो पेमेंट मेथड के रिलेटेड भी वो कुछ काम करेंगे। आप कहाँ पे पेमेंट कर रहे हो,
कितने लोगों को कर रहे हो वो भी वो खुद देखेंगे, क्योंकि उनको कहीं पे गूगल पे के जाकर चेक नहीं करना है, नहीं तो किसी फोन पे जाकर उनको आपका डाटा कलेक्ट नहीं करना है, वो सारा कुछ व्हाट्सएप पे ला रहे। तो आपका पूरा साइकोलॉजी, आपका पूरा पर्सनल इंफॉर्मेशन उनके पास रहेगा, तो फिर क्या करें, यही सवाल आता है। तो अभी हम देखेंगे कुछ ऐसे एप्स जो आप यूज कर सकते हो जो अल्टरनेटिव है फॉर व्हाट्सएप। उसमें फर्स्ट मुझे पता चला जो बेस्ट है, दैट इज अ टेलीग्राम। तो टेलीग्राम एक ऐसा ऐप है जिसको आप व्हाट्सएप जैसा ही यूज कर सकते हो। तो इसको मैं थर्ड रैंकिंग दूंगा टेलीग्राम को। सेकंड रैंक पे जो ऐप है उसका नाम है सिग्नल। तो सिग्नल भी बहुत अच्छा ऐप है, जो आप एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी इसमें हो सकता है और आपका पर्सनल डाटा भी सेफ रहेगा। अगर आप अभी जाओगे प्ले स्टोर पे चेक करो, उसका रेटिंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप से इधर शिफ्ट हो रहे हैं। और जो एक ऐप है जिसके बारे में ज्यादा कोई इन्फो मतलब बात नहीं कर रहा है यूट्यूब पे, मुझे पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, आपको एक सिंगल वीडियो भी नहीं मिलेगा इसके बारे में। एक बहुत अच्छा ऐप है जिसमें FB है, इंस्टा, उसके बाद व्हाट्सएप, ये तीनों का फीचर एक ही ऐप में मिलेगा। इंडियन ऐप है और ये ऐप बस ऐसे किसी ने बस बना दिया है, ऐसा नहीं है। तो ये जो एलिमेंट्स ऐप है इसका इनॉग्रेशन किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। तो भाई वो इनॉग्रेशन कर रहे मतलब उस ऐप में कुछ तो होगा। अब अभी जाकर देखिए एलिमेंट्स नाम का ऐप है, ELE नहीं है, ELYMENTS। सो एलिमेंट्स नाम का ऐप है, वहां पे आप जाकर देखो, उसको यूज करके देखो, बहुत अच्छा ऐप है और ये व्हाट्सएप को अल्टरनेटिव हो सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका डाटा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम कॉमन लोग हैं, वो हमारे मैसेज रीड करके भी उनको क्या मिलेगा, आपकी वैल्यू कम कर रहे हो, लेकिन उनके लिए आप बहुत कुछ हो, वो आपको कल परसों बहुत कुछ सेल कर सकते हैं। तो थोड़ा सोचो, और आपको सही नहीं लगता है थोड़ा भी, तो आपका व्हाट्सएप पे जो अकाउंट है वो रिमूव कर दो और जो मैंने तीन ऑप्शन बताए वो ट्राई करके देखो। मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, आप ट्राई करके देखो, आपको जरूर उसका फायदा होगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा इसलिए थैंक यू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। आपके फेसबुक पे अगर आप पोस्ट कर सकते हो तो उधर भी पोस्ट करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।